मिशन 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। आपको बता दें कि AICC की बैठक में PCC चीफ मोहन मरकाम वर्चुअली शामिल हुए थे। इस बैठक में कई बड़े नेता भी वर्चुअली जुड़े थे। PCC चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि छत्तीसगढ़ के विषय पर जानकारी हमने आलाकमान को दी है, हम लगातार बूथ पर फोकस कर रहे हैं। इन्हीं सभी विषयों पर PCC चीफ मोहन मरकाम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे ने। AICC की कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, इसमें PCC चीफ मोहन मरकाम भी शामिल हुए थे और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बारे में थी कि किस तरह से अभी काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय मरकाम जी मौजूद है, बात करेंगे। सर, कल अहम बैठक हुई थी मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस अब शुरू। आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में कल AICC की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें 2023 को लक्ष्य लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 23,737 बूथ हैं, तो जिन बूथों में हम लगातार हार रहे हैं, जिन बूथों में हम जीत रहे हैं, तो बूथों को हम तीन कैटेगरी में हमने बांटा है। पहला जो रेड, जो लगातार कांग्रेस पार्टी उस बूथ से हार रही है। दूसरा येलो, कभी हम जीतते हैं कभी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और ग्रीन, जो हरा, जो हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमेशा जीतते रहे। तो ऐसे तीन कैटेगरी में बांटकर हम काम कर रहे हैं और सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी और अन्य गतिविधियों उसमें हम संचालित करेंगे, ताकि 2023 में छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बन सके। छत्तीसगढ़ में 70 का बहुमत कांग्रेस के पास है। जनरली देखा जाता है जिस राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में होती, कोई पार्टी हो, वो आगामी चुनाव के लिए उतनी चिंतित नहीं रहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस को हम देख रहे हैं लगातार, और ये नया नया दिमाग कहां से आता है कि हम बूथ को तीन श्रेणियां बांट दें, येलो, रेड, ग्रीन, ऐसे? मतलब किस तरह से कांग्रेस पार्टी काम करती है छत्तीसगढ़? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो हम लोगों को बूथ जीतना जरूरी होता है। अगर हम किसी बूथ में हारते हैं तो उसे एक नई रणनीति के साथ उस बूथ में हम काम करते हैं कि उस बूथ को कैसे हम जीतें। हो सकता है जिस बूथ में हम जीत सकते हैं, जीत रहे हैं, तो उसमें हार जाएं, तो नया बूथ को भी हम लोगों को तैयार रखना पड़ता है। इसीलिए उन बूथों पर भी हमारी फोकस रहती है जो हारे बूथों को हम जीतें। इसीलिए देखिए, हमारी सरकार है, मगर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम सरकार दोबारा कैसे आए, उसकी हम लोगों की तैयारी, प्लानिंग हम लोग शुरू से, हम 3 साल पहले से हम शुरू कर दें। बूथ कमेटियां हमारी बन रही है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, 10 लाख का टारगेट भी है, उसको भी पूरा करना है। तो अब सभी चुनाव संपन्न हुए हैं और मेरे नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए हैं, मेरे संगठन के अध्यक्ष के तौर पर एक भी चुनाव नहीं हारने का रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को आगे कैसे बरकरार रहे, वो PCC के ऊपर भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को हम मजबूत बूथ स्तर पर ले जाएं और दोबारा जब भी चुनाव आएंगे तो चुनाव में हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिले, हमारी तैयारी है। ये येलो और ग्रीन तो समझ में आता है, रेड को ग्रीन में कैसे कांग्रेस पार्टी तब्दील करेगी? देखिए, आज कल मीटिंग हुई, आज यूथ कांग्रेस के साथियों की पूरे प्रदेश की वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें पूनिया साहब भी जुड़े हुए थे। तो यूथ कांग्रेस के साथियों ने एक टास्क मिला है, एक बूथ 10 यूथ, तो यूथ के हमारे वहाँ की फौज उतारेंगे, ज्यादा से ज्यादा वहाँ के लोगों पे सदस्यता अभियान पे जोर डालेंगे। और हमारे युवा लोग, खासकर युवा लोग जिस बूथ में भी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, तो वो बूथ हम जीतते हैं। तो मेरा टास्क है कि युवाओं को ऐसे बूथों की बड़ी जिम्मेदारी हम देने का प्रयास करेंगे और सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। और आज के जो वर्चुअल मीटिंग में माननीय पुनिया साहब का भी हमें मार्गदर्शन मिला और हम लोगों को सब दिशा निर्देश मिले हैं, तो उस हिसाब से हमारे यूथ के साथी भी उन बूथों में काम करेंगे। आखिरी सवाल बस, कि 2023 चुनाव में ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहेगा कि 90 में 90 आ जाए? देखिए, हम कोशिश करेंगे, हम तो चुनाव लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। हमारी प्रयास है कि हर सीटों में जीत मिले। हम कोशिश कर रहे हैं कि 70 जो अभी हमारे विधायक है, 70 सीटों से ज्यादा ही हो, कम नहीं हो, ये हम लोगों का प्रयास है। बीजेपी को कहां देखते हैं 2023 में?
देखिए, हर हम किसी राजनीतिक दल को हम कमजोर नहीं रखते, हर राजनीतिक दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है। हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं और हमारी बात, संगठन की बात, सरकार की बात हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसी का परिणाम है छत्तीसगढ़ के इतिहास में 14 के 14 नगर निगम कांग्रेस पार्टी जीती है, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और इतिहास मुझे लगता है कि दोबारा ऐसा इतिहास नहीं बनेगा। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। और निश्चित तौर पे जिस तरह से सरकार बनने के बाद जब से संगठन का इनको संभाला गया है, संगठन का पद इनको दिया गया परिषद अध्यक्ष का, तब से देखा गया कि निकाय चुनाव में लगातार सफलता जो है मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में मिल रही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मिशन 2023 में भी हमारा प्रयास रहेगा कि 70 से कम ना हो, भले ही 70 से सीट बढ़ जाए। ND24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन महेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, रायपुर।